Germany. Panchi bano ur pitiru mast gagan mein, aaj main azad hu duniya ke chaman mein. आप एक लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे ना. अगर मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती ना तो अब तक खुशी से पागल हो जाती. अच्छा, कोई नया तारा भी साथ को देने के लिए क्या? ये खुशी तो सासू माँ से दिन भर के लिए छुटकारा पाने की है. आप सासू माँ का चेहरा इतना देखने लायक हो गया था जब मैंने उनको कहा कि ससुर जी की मौसेरी बहन प्रेमा आंटी ने मुझे अकेली को उनके यहाँ डे स्पेंड करने के लिए बुलाया है. और पता है प्रेमा आंटी ने मुझे स्पेसिफिकली कहा अपनी सास को बिल्कुल मत लाना, हरगिज मत लाना. और तुम्हारी सास को परमिशन दे दिया? परमिशन नहीं देती तो उनको मानना पड़ता ना कि वो मुझसे जेलस हो रही है. और मैं सोचूं कि तुम प्रेमा जी से मिलने जा रही हो और माँ शिव से प्रेमा जी की बुराई करेंगे. हाँ, क्या क्या बुराई कर रही थी सासू? बताओ ना, मैं प्रेमा आंटी को बिल्कुल नहीं बताऊंगी. तुम प्रेमा जी को सब कुछ बता दोगी. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है बहू की साइकोलॉजी में. ये सब बातों के लिए फायदा नहीं, मुझे ऑफिस जाना, मुझे देरी हो रही है. मैं बताना, वैसे भी सासू माँ मुझे बताए बगैर रहेगी ही नहीं. काम को लेने आ रहे ना? आना ही पड़ेगा. कच्ची कुछ कुछ भी कुछ कर. मैं पूछ रही हूँ, एक मुजरिम जब अपनी सजा काट चुका है तो समाज उसे क्यों नहीं अपनाता? क्या उसके पास क्या उसके पास चार पेटिकोट, दो साड़ियाँ, एक चम्मच? प्रेमा आंटी, लगता है आपके भाषण में ब्रेमी का हिसाब मिक्स हो गया है. हारे हारे, एक समाज सेविका होने के साथ साथ मैं गृहिणी भी हूँ ना. लेकिन आप ये मुजरिमों के लिए माचिस तैयार क्यों कर रही है? क्योंकि वो जेलर बड़ा हैंडसम है. क्या कैसे कुछ कुछ के लिए कुछ को? मैं ऐसे ही कर रही थी, मजाक कर रही थी मैं. दरअसल बात ये है कि आजकल मैं जेल जाया करती हूँ, कैदियों से मिलती हूँ, उनका दुख दर्द बांटती हूँ, उनको समाज में दोबारा बसने के रास्ते बताती हूँ. हाँ हाँ प्रेमा आंटी, आप बड़ा ही महान कार्य कर रही हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं जानती थी तो ऐसा ही कहेगी, इसलिए तो मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है अपनी तारीफ सुनने के लिए. अरे नहीं रे, तारीफ करते तो वो नहीं सकता तुम्हारी राधा. कौन है? वही जो आज तुझे मिलने यहाँ आ रहा है. कौन आ रहा है? वही जो जेल से छूट रहा है और सीधा तुझसे मिलने यहाँ आ रहा है. तुम्हारा फैन पीला चंद. पीला चंद? लालचंद का भाई पीला चंद. पीला चंद राम. पीला चंद. पीला चंद. पीला चंद. मुझे निकालो. कैसे? एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बस समझ लो. अच्छा तो ये ले. मानवी कौन? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बिल्कुल नहीं. मुझे मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि चोरों और चुक्कों बदमाशों की दुनिया में बेहद ना हो. लेकिन इतने काले कारनामे करने के बाद भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है. इस सारा क्रेडिट लालचंद खा जाता है. पीला चंद को कोई पूछते ही नहीं है. तुम्हें मालूम है चीज के लालचंद को हमारा चुपड़े भाई किसने दिया? तुमने. यस. और उस अनाज में कंकड़ मिलाने का आइडिया किसने दिया? तुमने. यस. और उसे उसे महंगे दामों पे बेचने का आइडिया किसने दिया? तुमने. यस. और मैं कितना क्लेवर मैं. पकड़ा गया लालचंद. मेरा तो नाम ही किसी को मालूम नहीं हुआ. वो बदनाम होकर मशहूर हो गया और मैं गुमनामी के अंधेरों में खो गया. दस मिनट में अगर मुझे ये प्रॉमिस कर दिलाया गया कि कल के अखबारों में मेरा नाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ में आएगा तो ये बम फट जाएंगे. तुम्हें टाइमर ऑफ करने नहीं आता? किसी टाइमर ऑफ करने नहीं आता? Lala, 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 l
बहू अपनी वसीयत किए बगैर ही मर गई तो उसके सारे कपड़े गहने पैसे उसकी सासू बापू मिल जाते हैं। ये तो उसके सास की शराफत पर डिपेंड करता है ना। तो मैं नहीं मरना चाहती। अरे लेकिन तुम मरने की बात ही क्यों कर रही है राधा? क्यों यार, उससे बदला लेने के लिए वो मुझे मार डालेगा, मुझे मांस का मार डालेगा वो। अगली देव की बीबी की किस्मत कड़ी इतनी अच्छी है कि तुम्हारी है राधा जो इतनी इज्जत देता है वो तुम्हें। पता है पीला चंद पूरी तरह से सुधर गया है। हाँ बदनाम होकर मशहूर होने का भूत उसके सर से उतर चुका है और इसका सारा क्रेडिट वो तुझे देता है। बस तुझे। मुझे? हाँ मुझे, मुझे क्यों? मेरे साथ मेरी सासू मामू तो थी। अरे तेरी सास से तो बहुत डरता है। जब भी कभी मैं उससे मिलने जेल गई हूँ उसने तुझसे हमदर्दी जताते हुए एक ही सवाल पूछा है, कैसे रहती होगी वो बेचारी बहू उस खतरनाक सास के साथ है? वो कौन होता है मेरी सास को बुरा भला कहने वाला? कुछ नहीं कुछ कर। तेरे सास की इमेज ही कुछ ऐसी है, बहुत डरता है वो, थर थर कांपता है उसके नाम से। इसीलिए तो उसने तुझे यहाँ बुलाया है मेरे घर ताकि वो तुझे अकेले में मिल सके। इसी बात की तो फिक्र हो रही है मुझे। क्यों फिक्र हो रही है? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? तुझे थैंक्स करने के लिए। तेरी बातों का तो असर हुआ है उस पर। जेल में तो वो सबसे कहता है एक बहू, एक अगला बहू जब अपने जालिम सास के साथ शराफत की जिंदगी जी सकती है, जिन की दुनिया से बहुत से दूर रह सकती है, वो लोग चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसे आग लगा चुकी होती या फिर जहर दे चुकी होती, लेकिन नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इसी में उसकी इज्जत है। तो फिर हम क्यों नहीं झेल सकते सासों के समाज को? उसने फैसला कर लिया कि वो भी तुम्हारी तरह एक शराफत की जिंदगी जिएगा। अभी सासू बापू फोन करके आती हूँ। काची कुछ कुछ कर कुछ कर। उसने बता दी कि मैं कितनी महान हूँ। शाम को बाद में जब तुम घर जाएगी तब बताना उनको। अब तो पीला चंद आता ही होगा अभी। हाँ 11 बजे का टाइम दिया है। पीला चंद भी आ गया। आओ आओ पीला चंद आओ। सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। बारूद की स्टिक लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक ही काफी है। इसे मैंने खास अपने हाथों से बनाया है जेल में। आप देखो हाँ, चॉकलेट तो खाई जाता है ना चॉकलेट। हाँ। और इस चॉकलेट को मैंने डायनामाइट का आकार इसलिए दिया है कि ऐसी ही डायनामाइट स्टिक में मुझे तुम जैसी महान इतनी से मिलवाया। डायनामिक आइडिया है। मैंने देखी थी दादा कि ये तुझसे थैंक्स कहने के लिए आया है। देखा ये मुझे लाया साथ में है ना। मैं काम करती हूँ, मैं बाहर जाके कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तब तक तुम दोनों बैठ के बातें करो। मैं भी आपके घर आती हूँ। नहीं छोटे कैसे जाएंगे, बुरा लगेगा ना। नहीं नहीं अभी तुम लोगों को तो नहीं। अब खाना बनाना आता है? हाँ आता तो है। कहीं बनाया था मैंने तुम्हारे अंकल के लिए। जाने की आपके मिस्टर कहाँ है? आज हॉस्पिटल में है। खाना हम लोग बाहर से ले आते हैं। ठीक है खाने में मजा आ गया। अरे दादी जब हम लोग खाना लेके आ रहे थे कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? आपका पीछा? जरूरी होगा मेरा पीछा करता होगा ना। बहुत अच्छा आपका संतोष भी बहुत अच्छा है ना। मैं कॉफी लाती हूँ। पीला चंद जी आप ऐसे क्यों पूछ रहे थे? क्या पूछा था मैं? ये कि आपको कोई पीछा तो नहीं कर रहा था ना? अरे वो क्या है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली। पुलिस प्रोटेक्शन? कॉफी। पीला चंद जी आपको कौन से बिस्किट पसंद है? भाई मुझे तो क्रीम वाले बिस्किट पसंद है। ये पुलिस प्रोटेक्शन का क्या चक्कर है भाई? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, वो कह रहे भूल गया था कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो कल मिल गया। कल ना तो आज बिस्किट खाओ। खाना खाने के बाद ये क्रीम वाले बिस्किट कॉफी में डिप करके खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तो नमकीन बिस्किट पसंद है। तुम्हें राधा पुलिस प्रोटेक्शन नाम की भी कोई बिस्किट है मार्केट में? मार्केट मैं तो मार्केट जा ही नहीं सकता। क्यों?
इतने आलसी हो गए हो जेल में बैठे बैठे? जेल में तो खूब ऐसा ही भ्रष्टा लाना है। बाकी ऐसी सिचुएशन के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सिचुएशन ये है राजा जी कि मुझे कभी भी कोई भी गोली मार सकता है। बदला लेने के बात यू है राजा जी कि मैंने उन लोगों के खिलाफ दवाई दी थी जो कंकर और भूसा अनाज में डालकर बेचते थे। अब उनको तो बदलिए, लेकिन जो लोग कंकर और भूसा उनको सप्लाई करते थे उनके खिलाफ कोई केस बना नहीं, लेकिन उनका धंधा तो चौपट हो गया ना मेरी वजह से। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरे जेल से बाहर निकलते ही वो मुझे किसान गोली मार देंगे। कितना अच्छा आदमी है ना, हमें सब कुछ बता रहा है। आंटी आप कुछ समझ रही हैं, इनको किसी भी वक्त गोली लग सकती है और अब हम लोग इनके साथ हैं तो क्या हुआ? अरे तू जानती नहीं, इन पीलर्स का निशाना बहुत पक्का होता है, अगर गोली चलेगी भी तो पीला चंद पे चलेगी। पीला चंद ख्याल है आपको मेरा है ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास कॉन्टैक्ट है। आप उन लोगों को जानते हैं जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं? अरे कॉन्टेक्ट से मेरा मतलब है मेरे पास कॉन्टेक्ट लेंसेज है, भेस बदलने के लिए मुझे कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। लखन जी आप मुझसे मिल लिए ना, मिल लिए ना, अब आप मैं आपको दरवाजे से छोड़ने आती हूँ। कुछ कर ऐसे क्या बिहेव कर लिया अपने सास जैसे, कॉफी तो मिली गई, कॉफी हो गई ठंडी। लखन जी बाहर जा सकते हैं याद है? घर की सब खिड़की तो बंद है ना, बस पर्दे बंद है, खिड़कियां तो खुली है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो देखिए लंबी ऊंची गाड़ी और उसके आसपास वो काले कपड़े पहने हुए लोग। हाँ इसमें तो सुनील कैसे की तरह लग रहा है ना। अच्छा उसे बहुत पैसा मिल रहा होगा ना। देखो कितना खर्चा कर रहे हैं वो लोग मुझ पे। साधू माँ क्यों डरा रही हो मुझे उसका नाम याद करके? ताकि आपके होश ठिकाने आ जाए और आप भी वही करें जो हर डरा हुआ इंसान करता है। फिर इसको ये लोग ऐसे ही करते हैं, जिस घर में शिखा होता है ना उस घर के फोन काट देते हैं ताकि कोई पुलिस को फोन ही न कर सके। कितने होशियार होंगे ये लोग, अब क्या होगा? अरे अब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। सोच क्यों रहे हम, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तुम मुड़ी तो मैं जो बन गया मुड़ी तो गई है मुड़ी। इसका मतलब है तुम दोनों ने उस आदमी को नहीं देखा? वही जो रास्ते में बंदूक लेकर खड़ा है वो? मैं तो समझी कि वो बंदूक बेचने वाला है। ऐसी कोई गली गली बंदूक बेचता है क्या? यूनिक आदमी है, इसका मतलब है हमारे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मतलब हमें यही रुकना होगा हमारी मौत के इंतजार में। कुछ 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 कर नहीं 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 मैं मरना नहीं चाहती, मुझे नहीं मरना। अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्या है आपकी उम्र? ऐसे बच्चे सवाल मुझे मत पूछ, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अरे बार बार उसका नाम क्यों ले रही हो? आंटी ने सासू माँ को यहाँ बुलाया होता। सासू माँ का दिमाग ऐसे वक्त पर बहुत अच्छी तरह से चलता है। हाँ राधा मेरा भी दिमाग बहुत तेज चल रहा है। तू मुझे बता, मुझे बता, जब ये टेलीफोन नहीं था तब हम लोग संदेशा कैसे भेजा करते थे? धुएं से। चलो आप जलाते हैं, ये तो इनकी हर हमें हाँ मिलाते हैं। ये समझदार जो है अब इस संदेश से हम लोग ऊपर वाले घर में भेजेंगे एक बचाओ संदेश। हाँ हाँ
टेलीग्राफिक हाँ, ताकि वो लोग समझ सके कि मैं एक अभिनव नारी, एक समाज सेविका कि जो मुसीबत में फंसी है, और वो जज से पुलिस को फोन कर देंगे। संदेश कुछ कर, ये संदेश थोड़ी है। संदेश तो ये है, ठक ठक टुक टुक ठक ठक टुक। नहीं नहीं प्रेमा आंटी, ये संदेश तो कोई पार्टी का इन्विटेशन लगता है। एक्चुअली तो संदेश यही है, टुकुक टुकुक ठो, ठक्का दूंगी तेरे सर को। यही संदेश है, ठक ठक टुक टुक ठक ठक। आप एक खुली बड़ी ठो है, इसका मतलब ये नहीं कि हर संदेश के पीछे ठो ठो लगा दे। अरे सही संदेश यही है, ठक ठक टुक टुक ठक ठक ठो, टुकुक टुकुक ठो, ठक ठक टुक टुक ठक ठक ठो, टुकुक टुकुक ठो, ठक ठक ठो, 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 टुकुक ठो, ठक ठक ठो। अरे ये मैसेज तो टेलीग्राफिक मैसेज का निगम है। रवि तू हाई प्रेमा आंटी, चलो हवा देखो कमा। रवि तुम कब से रहने लगे ऊपर वाले मकान में? नहीं कि मैं आपको समझाती हूँ, हमारे घर में चार थे, इनके जान के दुश्मन हमारी जान लेना चाहते हो। अच्छा अरे चिल्लाओ चिल्लाओ मत, कुछ करो कुछ कराओ, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि नीचे सीढ़ियों पे जो आदमी है वो बंदूक बेचने वाला नहीं है, बहुत प्यारा है। और फिर तुम्हें आते हुए देखी है, क्यों आया यार? मुझे लेने के लिए आया। काश मैं अपनी माँ की बात को देता। क्या कह रही बात तुम आपको? माँ कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। मैंने प्रेमानी का नंबर भी ट्राई किया, नहीं लगा। फिर मैंने नंबर कंप्लेन किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे भैया घबराओ, हम पहले से ही घबराए हुए हैं। उधर खिड़की के पास में एक पाइप है, उस पाइप के रास्ते तुम छत पे चल जाओ, वहां से कूद के दूसरी बैठी के छत पे चल जाना, वहां से नीचे जाके पुलिस को फोन कर दूंगा। कितना मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, ऐसे हंसते हंसते। पति हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा, जब जब भगवान तुम्हें भला करे। भारत के देश का हर नौजवान इसी तरह बहादुर होता। देखिए कितना निडर होकर जा रहा है मौत का सामना करने। सरकार को रिपब्लिक डे पर इसे मेडल देना चाहिए और इतिहास में इसका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और देखिए वो वापिस आ रहा है। ऊपर भी कोई बंदूक वाला है। मत खोलिए मत खोलिए प्लीज मत खोलिए। हो सकता है कोई बंदूक वाला ही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं मैंने खुद सोचा, अगर कोई अजनबी होगा ना उसको मैं पकड़ लूंगा। तुम क्या करने जाओ? क्यों तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं उसके बच्चों को पकड़ लूंगा। कौन सा मेरा बच्चा है, नीला या पूरा? की बहुत पुरानी चाल है, पुलिस का नाम लीजिए अंदर आ जाते हैं। और फिर आप अभी तक जिंदा है और हमारे पास एक और जिंदर है। कहाँ है वो पीला? बताती हूँ। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे थे? अभी हमने छोड़ दिया। ये खूनी खूनी। ये खूनी नहीं है, ये वो जेल के जंगल में जाके ये छूट के आ रहे। गाची कुछ कुछ कर कुछ कर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीला चंद की हिमादत। अरे हमने इनसे कहा भी था कि आज के दिन वो कहीं ना जाए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन कल से मिल सकता है, लेकिन ये माने ही नहीं। मैंने कसम खा रखी थी कि जेल से रिहा होते ही मैं राजा जी को मिलूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया अदा कर लिया ना, अब चलिए। तो क्या आप इन्हें वापस जेल में देंगे? आज के दिन वो वहीं सेफ है और वो बंदूक वाले वो हमें देखकर भाग गए। चलिए चलिए। पीला चंद तो गया, हमने नहीं मानना। अरे मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया था, डेड चीजों को जिंदा करने के लिए आया था, टेलीफोन एक्सचेंज से आया था आपका टेलीफोन रिपेयर करने के लिए।